हेलो फ्रेंड्स, आज के यह वीडियो में हम देखेंगे कुछ शॉर्टकट्स और कैसे हम स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं और डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं हमारे पीसी में। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता करना है कि आपके डिवाइस में, आपके जो लैपटॉप है या फिर पीसी में कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। डिवाइस मैनेजर में जाने का एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। तो शॉर्टकट है कि आपको विंडोज़ और पॉज ब्रेक की को साथ में प्रेस करना है। शिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो विंडोज़ है आपके पीसी के पूरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो विंडोज़ 10 है, एसर कंपनी का है, मैन्युफैक्चरर कितना GB इंटरनल स्टोरेज है, रैम और कितना बिट प्रोसेसर है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और अभी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो डिवाइस मैनेजर करके ऑप्शन है। तो जब आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हो तो डिवाइस मैनेजर पे जब आप क्लिक करोगे तो कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ मिलती है पीसी में वो आपको देखने मिलेगा। ऑडियो इनपुट आउटपुट, बैटरीज, ब्लूटूथ कैमरा, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, CD DVD ROM, फर्मवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है, कीबोर्ड्स, देन उसके बाद स्टोरेज कंट्रोलर और लास्ट वन जो है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो है और दूसरे अदर डिवाइसेज। जैसे कि अभी आप पेन ड्राइव या फिर कोई दूसरे डिवाइसेज आप कनेक्ट करोगे तो वहाँ से आप इसका कॉम पोर्ट भी चेक कर सकते हो। और अगर आपके पीसी में विंडोज इंस्टॉलर नहीं है, ड्राइवर इंस्टॉलर, डिवाइस इंस्टॉलर, तो तब भी आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट नेट वाईफाई असाइन होने के बाद वो आपको डिवाइस इंस्टॉलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्टेबल डिवाइसेस पे आके क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कौन कौन से डिवाइसेस से कनेक्टेड है। अब यहाँ नेटवर्क अडैप्टर्स में आप जाओगे तो कौन कौन से डिवाइसेस ये प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि वैन पोर्ट हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग ये लैपटॉप के साथ, वो सारी डिटेल्स आपको देखने मिलती है। और लास्ट में यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स, यहाँ पर आपको पता चलता है कौन सा आपने पेन ड्राइव या फिर आपने कौन से पोर्ट पे USB बाफो एंड ऑल वो सारी चीज़ें प्रो अटैच किया हुआ है और कॉम पोर्ट्स के साथ साथ आपको मिलता है। देन फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा जो मेन टॉपिक था स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस कैसे हम असाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर कभी बहुत सारे पीसीज या लैपटॉप्स में आप यहाँ पर सिंबल्स देखोगे नेटवर्क सिंबल्स का, ठीक है। तो अगर इन केस वो आपको नहीं मिलता तो आप विंडोज़ में आके सीधा कंट्रोल पैनल, जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है। तो कंट्रोल पैनल पे आप ये क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यूज़र अकाउंट्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो अभी हमें इंटरनेट सेटिंग्स पे जाकर क्लिक करना है सो दैट हम वहाँ पर जाके चेक कर सकते। तो देन यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर लिखा हुआ है, तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कंट्रोल पैनल होम के नीचे जो है चेंज अडाप्टर सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। देखिए लैन पोर्ट यहाँ पर फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, इथरनेट पोर्ट भी हमारा यहाँ अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स हम लोग ने इसको अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ लैन केबल। अब जो हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड किया हुआ है और वहाँ पर आप डिवाइस का नाम भी देख सकते हो। अभी मुझे फॉर एग्जांपल इसका आईपी एड्रेस चेंज करना है, इसको अब मुझे स्टैटिक में डालना है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी डायनामिक ही लेता है। तो आपको उसको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे आगे क्लिक करना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा नेटवर्किंग एंड शेयरिंग पूरा डिवाइसेस का डिटेल्स देगा। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो कि TCP/IP v4 प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है उस पर क्लिक करना है। देन उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जानी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं ज़रा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जिसका मतलब क्या है कि DHCP में डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में, जिसमें क्या हो रहा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है जो मेरे वाईफाई के थ्रू मिल रहा है। अब मुझे इसको फॉर एग्जांपल असाइन करना है स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो मैं यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करूँगा। और फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो वीडियोस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि एक हाथ से यूज़ करना और ऑपरेट करना। तो एक हाथ से मैं वीडियो निकाल रहा हूँ और एक हाथ से मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस जो है असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ 192 फॉर एग्जांपल 168.8.120 ये हमारा आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया। और सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट इसका आप सेट करोगे टैब, आपको सिर्फ यहाँ पर टैब करना है। तो आप जैसे यहाँ पर टैप करोगे तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क मिल जाएगा। और ये जो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये आपको उसी के सीरीज़ के रेंज में डालना पड़ता है कि जिसके थ्रू से आईपी एड्रेस असाइन होगा। अभी जैसे कि 192.168.8 की सीरीज़ है हमारी, तो उसके आगे आपको 120 कौन से गेटवे के थ्रू पास आउट होने वाला है नेटवर्क, तो वो डालना है आपको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 सेट किया,
देन मैं इसको जाके यहाँ पर ओके पे सेट करूँगा। तो ऐसे करके हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारे डिवाइसेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्डली इसे क्रॉस करना है। तो ये एकदम ही आसान सा तरीका था कैसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो स्टैटिक आईपी एड्रेस से डायनामिक आईपी एड्रेस। अभी हमने क्या किया, डायनामिक आईपी एड्रेस से स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया। तो अब ये जो डिवाइसेस है ये स्टैटिक आईपी एड्रेस पे कनेक्ट होगा। जैसे कि अभी ये रिमूव हो चुका है मेरे आईपी एड्रेस से, फ़ोन के आईपी एड्रेस से। तो अभी यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क आपको दिख रहा है, विच मीन्स ये अभी स्टैटिक आईपी एड्रेस है। अभी आप जो डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए हो वो डिवाइसेस का आईपी एड्रेस आप ओपन करोगे ब्राउज़र में, तो आपको उसका पेज ओपन होते हुए दिखेगा। अब अगर आपको अभी फिर से इसको डायनामिक आईपी एड्रेस में वापस लेकर जाना है तो सेम प्रोसीजर आप वापस अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कंट्रोल पैनल में जाइए, चेंज अडैप्टर सेटिंग्स में जाइए, देन नेटवर्क एंड इंटरनेट में, फिर से यहाँ पर जाकर आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद IPv4 में फिर से क्लिक करना है हमें, प्रॉपर्टीज़ में आना है और मेक श्योर करना है कि इंडिया में जो भी अभी फ़िलहाल तो IPv4 ही चल रहा है, IPv6 कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है, IPv4 प्रोटोकॉल ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली करके एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो DHCP असाइन होगा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको आईपी एड्रेस असाइन करेगा। तो इस पे जाने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दोगे तो ये हमारा आईपी एड्रेस ले लेगा, डायनामिक आईपी एड्रेस जो उसे प्रोवाइड किया जा रहा है फ़ोन के थ्रू या फिर राउटर के थ्रू जो प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे डिवाइस का नाम भी आ चुका है और यहाँ पर अभी हमारा इंटरनेट या ब्राउज़र भी ब्राउज हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्डली इजीली। देखते हैं अभी हम ब्राउज हो रहा है या नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं जीमेल पे क्लिक करता हूँ, जीमेल ओपन हो रहा है या नहीं, यहाँ फ़िलहाल तो नेट स्लो है। देखते हैं हम डायनामिक प्रॉपर्ली से असाइन हुआ कि नहीं, इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा ये अकाउंट के ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। अब मैं आपको ये ईमेल आईडी तो नहीं बता सकता अभी यहाँ पर जो डिस्प्ले किए गए, बट ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन हो चुकी है और ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह मेरा छोटा सा शॉर्ट वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कृपया करके कमेंट करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।